हाज़रीन महफिल, जब कोई तख्लीक़कार तख़य्युल से परवाज़, आसमानों से उसकी बुलंदी का तसव्वुर, समंदरों से उसकी गहराई का एहसास, दरियाओं से रवानी, झील से खामोशियाँ, आबुशारों से शऊर, सितारों से चमक, चांद से चांदनी, सूरज से तपिश, शबनम से ठंडक, फूलों से रंगत, कलियों से चटक, कांटों से चुभन, जिंदगी से सच्चाइयाँ, महबूब से अदाएँ और आशिक से दर्द मुश्तार लिया करता है, तो सामईन हजरात के रूबरू एक गज़ल का सच्चा और अच्छा पैकर आ जाया करता है। और उस गज़ल के सच्चे और अच्छे पैकर की हिफाजत करने वाले आप सच्चे अच्छे और प्यारे दिलकश सामईन, आप सब हजरात की खिदमत में मेरा तहज़ीबी सलाम। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है, कबूल हो के मोहब्बत सलाम कहती है। हाज़रीन महफिल, जहाँ जहाँ से याद आ रहे हैं सुन लीजिएगा। मसला ये था कि आज हम आए तो दूसरी जगह थे और किसी वजह से वो प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हो गया। हमने वक्ती तौर पर फ़ैसला बदला, और कभी कभी वक्ती तौर पर फ़ैसले बदले हुए उनमें खैर होती है, उनमें बरकत होती है और अच्छे भी हो जाया करते हैं। तो हाज़रीन महफिल सुने, जिस अंदाज़ में आप सुनना चाहेंगे मैं इंशाअल्लाह वहीं से शुरू कर दूंगा। तरह तरह के शेर आपकी समातों की नज़र। सुने, तुम बात तो सुनते ही नहीं गौर से क्या है, तुम बात तो सुनते ही नहीं गौर से क्या है, मैं तुमसे मुखातिब हूँ किसी और से क्या है, और जिस देश में रहते हैं वो जन्नत है हमारी, जिस देश में रहते हैं वो जन्नत है हमारी, मतलब हमें लंदन से या लाहौर से क्या है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन महफिल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम बात तो सुनते ही नहीं गौर से क्या है, मैं तुमसे मुखातिब हूँ किसी और से क्या है, और जिस देश में रहते हैं वो जन्नत है हमारी, मतलब हमें लंदन से या लाहौर से क्या है। और शेर देखें कि मुझे क्या लेना कुल कायनात से, मुझे क्या लेना कुल कायनात से, मुझे तो मतलब है बस तेरे मेरे साथ से, और मुलाकात पर तुम कोई सहेली नहीं लाती, मुलाकात पर तुम कोई सहेली नहीं लाती, मेरा एक दोस्त बहुत नाराज़ है इस बात से। और फिर से एक मरतबा कैमरामैन साहब की नज़र, ये शेर, मुलाकात पर तुम कोई सहेली नहीं लाती, मेरा एक दोस्त बहुत नाराज़ है इस बात से। और हाज़रीन महफिल, ये जो ओपन माइक हुआ करते हैं, तरह तरह के प्लेटफॉर्म तैयार हैं दबे कुचले फ़नकारों के लिए, तो यहाँ पे आदमी आता है अपना कंटेंट चेक करने के लिए, अपने कलाम को आवाम की खिदमत में पेश करने के लिए। उससे ये मालूम पड़ता है, ये महसूस होता है कि ये जो लिखा है हमने खून और लहू की मेहनत से, कलम से अपनी डायरी पर नोट किया है, ये कहाँ तक के बेहतर है, और इसका फ़ैसला सामईन हज़रात पे है। तो मैं कुछ नए अशार आपके सामने पेश करने की जसारत करता हूँ। सुने कि आया खिज़ा की भेस में मौसम बहार का, आया खिज़ा की भेस में मौसम बहार का, आया खिज़ा की भेस में मौसम बहार का, अंजाम यही होता है बस इंतज़ार का। और शेर देखें, शेर कुछ यूँ है, आया खिज़ा की भेस में मौसम बहार का, अंजाम यही होता है बस इंतज़ार का, न पूछ प्यार में क्या क्या अजाब होते हैं, न पूछ प्यार में क्या क्या अजाब होते हैं, लहू में डूब के गुंछे गुलाब होते हैं, और जो हो सके इन्हें पाकीज़गी से पढ़िएगा, जो हो सके इन्हें पाकीज़गी से पढ़िएगा, हसीन चेहरे खुदा की किताब होते हैं। सुनते रहें, है इस ज़मीन पर फ़क्र मुझे जो हिफाजत से शजर रखती है, ये वक्ती मोहब्बत जवानी को बुढ़ापे में बदलने का हुनर रखती है, और तुम मानो ना मानो ज़माने वालो, वो सिर्फ माँ है जो हर गम की खबर रखती है। और सुना है अब वो हमको याद नहीं करते, चंद अशारों और उसके बाद ताज़ा कलाम जो है वो आपकी खिदमत के नज़र। सुना है अब वो हमको याद नहीं करते, हमारे एक होने की फरियाद नहीं करते, और हम तो उजड़ गए सो उजड़ गए जाना, हम तो उजड़ गए सो उजड़ गए जाना, किसी की ज़िंदगी यूँ बर्बाद नहीं करते। और शेर देखें, मकान तो बना लेंगे जालिम लोग ज़माने में,
मकान तो बना लेंगे जालिम लोग जमाने में, पर बस्तियां जलाने वाले घर आबाद नहीं करते। और शेर आखिर, फिर उसके बाद ताज़ा गज़ल की तरफ चलते हैं कि तू जो कहेगा मान लेंगे चुपचाप से, तू जो कहेगा मान लेंगे चुपचाप से, हम सीधे भले लोग हैं फसाद नहीं करते। और गज़ल के चंद अशआर आपकी खिदमत के नज़र सुने। आया खिज़ा की भेस में मौसम बहार का, बस चंद अशआर और उसके बाद ज़हमत तमाम। अंजाम यही होता है बस इंतज़ार का, नाकाम हमने कर दिया दुश्मन की चाल को, नाकाम हमने कर दिया दुश्मन की चाल को, और तीर हमने खा लिया खुशियों से यार का। और शेर देखें, किसको सुनाऊं जिंदगी की दास्तान गम, किसको बताऊं हाल दिले बेकरार का। और शेर आखिर, वो जिनका खुद ही दोस्त तो दामन हो दागदार, वो जिनका खुद ही दोस्त तो दामन हो दागदार, वो क्या करेंगे फैसला मेरे वकार का। और उस बेवफा को भूल जाऊं किस तरह समीर, उस बेवफा को भूल जाऊं किस तरह समीर, जिसने किया था खून मेरे एतबार का। बहुत शुक्रिया।